KTV मल्टी रूम्स आर रिक्रूटिंग, ज्वाइन अस एंड अर्न मनी। दोस्तों यहाँ पे इंस्टा में तरफ एक नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन के बारे में आज आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारे लोग जो है रूमर्स फैला रहे हैं कि इंस्टा में बैन होने वाला है, और साथ ही साथ यहाँ पे डायमंड का ऑप्शन इसीलिए हटा दिया इंस्टा में ने कि भाई जो है अभी आप लोग जो है डायमंड जिनका भी हो वो अपना डायमंड निकाल लें, उसके बाद इंडिया में बैन हो जाएगा। तो देखिए ऐसा कोई भी सीन नहीं है, और ऐसा क्यों नहीं है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ऑफिशियल की आईडी भी ब्लॉक कर दी गई है, तो इससे भी लोग डाउट कर रहे हैं कि ऑफिशियल की आईडी ब्लॉक कर दी गई, साथ ही साथ डायमंड जो है डायमंड रिडीम का डायमंड को जो विड्रॉ करने का ऑप्शन था वो भी हटा दिया गया है। तो देखिए ऑफिशियल की आईडी इसलिए बैन की गई है क्योंकि ऑफिशियल को जो भी आईडी मिली थी वो एक यूनिक आईडी थी, उसका एसआईडी जब आप देखते तो थोड़ा सा यूनिक था। जब भी कोई स्टार मेकर में जॉब करने जाता है कोई भी ऑफिशियल हो तो उसको एक यूनिक आईडी दी जाती है ऑफिशियल का टैग लगा के, तो वो स्टार मेकर के द्वारा दी गई यूनिक आईडी थी, उसको स्टार मेकर ने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, बाकी ऑफिशियल कोई भी आईडी चलाए उनसे उसको कोई भी मतलब नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दी आपको कि ऑफिशियल की जो आईडी ब्लॉक हुई इसलिए बैन हुई क्योंकि वो एक यूनिक आईडी थी। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों KTV मल्टी रूम्स आर रिक्रूटिंग, ज्वाइन अस एंड अर्न मनी, ये आखिर क्यों आया है। अगर आपका स्टार मेकर बैन होना होता तो इतने सारे इवेंट्स अभी चल रहे हैं, इवेंट क्यों देता है स्टार मेकर कि भाई फिर से डायमंड अर्न करो, फिर से विड्रॉ करो, क्यों करता वो? जितना डायमंड विड्रॉ करना था वो करवा देता, उसके बाद जो है नोटिस दे देता कि भाई हम बैन करने वाले हैं, आप जो है सारे अपना जो कॉइन्स एक्सचेंज कर लो, नहीं तो फिर बैन हो जाएगा, मतलब जो अपना डायमंड है वो एक्सचेंज कर लो, मनी में कन्वर्ट कर लो। तब यहाँ पे जो है वो क्यों इवेंट दे रहा है, बार बार मनी से रिलेटेड जो है पैसे कमाने से रिलेटेड इवेंट्स ला रहा है। अभी जो है पार्टी रूम वाला जॉब वाला चल रहा था आपको पता ही है, लेकिन वो फाइनली जो है उस पर अभी ऑफिशियल कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। मैंने पूछा भी था कि वो जॉब अभी हो रही है या नहीं, लेकिन अभी नहीं हो पा रही है, ऑफिशियल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, ना ही ऑफिशियल ग्रुप में कोई मैसेज आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वैसा ही एक और इवेंट आने वाला है, KTV मल्टी रूम्स आर रिक्रूटिंग, ज्वाइन अस एंड अर्न मनी। ठीक है, यहाँ पे जो मल्टी मोड रूम है उसको रिक्रूट किया जाएगा, और इसके बाद में आप जो है यहाँ से पैसे भी अर्न कर सकते हैं। जैसा आपका पार्ट टाइम जॉब आया था रूम वाला, वैसा ही ये भी है। अब यहाँ पे दोस्तों एक फॉर्म फिलअप करना होगा, उसी फॉर्म को फिलअप करने के बाद में आप इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म अभी जो है ओपन नहीं हो रहा है। जब भी आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेब पेज नॉट अवेलेबल लिख के आ रहा है, लेकिन ये एक फॉर्म ही है, जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। हो सकता है स्टार मेकर उसको अभी अपडेट कर रही हो, या हो सकता है कि पहले मूड बनाया हो कि भाई हम देंगे उसके बाद हटा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब भी ये आएगा तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर यही बता दूँ कि आपका जो मल्टी मोड रूम्स होंगे वो यहाँ पे रिक्रूट किए जाएंगे, और उन्हीं के ज़रिए आप पैसे जो है अर्न कर सकते हैं। अब किस लेवल के रूम को रिक्रूट किया जाएगा, क्राइटेरिया क्या क्या होगा, ये तो अभी कन्फर्म यहाँ पर बताया नहीं गया है, लेकिन जल्दी आपको सारा कुछ इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर जो भी आप देखते हैं कि जो भी आपको रूमर फैला के बताया जा रहा है भाई स्टार मेकर बैन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं, कोई भी ऑफिशियल की तरफ से कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आया, उन्हीं ऑफिशियल की तरफ से मैसेज आया है जो ऑलरेडी जॉब छोड़ चुके हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे स्टार मेकर की टीम ने ऐसा कोई मैसेज नहीं किया, ना कहीं पर वेबसाइट पर अपलोड किया है। अगर उनको बैन करना होता तो वो पहले ही बोल देते भाई बैन होने जा रहा है, इवेंट अब आपकी कंट्री में नहीं आएंगे, और जो भी आपका डायमंड है वो आप मनी में कन्वर्ट कर लो, विड्रॉ कर लो। ठीक है, तो इससे आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अभी कुछ मैनेजमेंट में टीम लगी हुई है, इसी वजह से जो है यहाँ पे सारा कुछ अभी नहीं हो पा रहा है, अभी अपडेट भी नहीं आया। आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पर काफ़ी टाइम से जो है अपडेट नहीं आया है, आप लोग अलग से अपडेट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी साइट से जाके अपडेट कर रहे हैं, तो इन सब का रीज़न यही है। तो दोस्तों इस जो है गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे कि आप जो स्टार मेकर है वो बैन होने वाला है। कोई भी अपडेट होगा तो आपको सबसे पहले चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कमाल की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।